कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 13वां दिन आज किसान आंदोलन का, और इसी बीच भारत बंद भी बुलाया गया है, जिसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। क्या बंद है, क्या खुला है, कई जगह ट्रेनें रोक दी गई, कई जगह किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आप जान लीजिए घर से निकलने से पहले कि क्या आज आपको बंद मिलेगा, क्या खुला मिलेगा। व्यापक असर आज भारत बंद का देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहा है, और धीरे धीरे करके ग्राउंड जीरो से एक एक संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। ताजा तस्वीरें, सटीक जानकारी, सच्ची खबर आप तक पहुंचाना जिम्मेदारी है हमारी। बिल्कुल, और देखिए किसान और सरकार के बीच अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा साबित हुई है और अब 6वें दौर की बातचीत कल एक बार फिर से होनी है। इस पर सभी की निगाहें टिकी होगी, लेकिन आज का दिन बेहद अहम है सरकार के लिहाज से, किसानों के लिहाज से, क्योंकि आज का दिन हो सकता है कि आगे आने वाले दिशा और दशा की जो रूपरेखा है वो आज के दिन तैयार हो जाए। और देखिए इस वक्त आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आज अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और किन किन चीजों के लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो देखिए एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर और अस्पताल और शादियों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बंद का यहां पर किसी भी प्रकार का जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन बंद क्या क्या होगा ये भी आपको जान लेना जरूरी है। तो सब्जी मंडियां बंद रहेंगी, यातायात भी प्रभावित होगा, दूध फल सब्जी में भी रोक लगाई गई है। हालांकि देखिए सुबह से ही लोग बाहर निकलने लगे थे ताकि जो जरूरी चीजें हैं उन तमाम जरूरी सुविधाओं को वो इकट्ठा कर सके, और इसीलिए किसानों की ओर से ये बताया गया कि इस आंदोलन का समय जो है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का रखा गया है ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर मौजूद हैं, 24 विपक्षी दल किसानों के साथ खड़े हुए हैं, बॉलीवुड से तमाम सेलिब्रिटीज भी अब किसानों के हित में फैसला चाहती हैं और कह रहे हैं कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर आंदोलन अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं, वहां पर आंदोलन किया जा रहा है, भारत बंद का असर दिख रहा है। लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां राज्य सरकारों की तरफ से खास दिशा निर्देश हैं, कोई भी हंगामा ना होने पाए। देश के अलग अलग कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी कोई भी जबरदस्ती हो तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह से बिहार सरकार ने भी आदेश दे दिए गए हैं कहीं भी हंगामा होने ना पाए। अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन मिला जुला असर भारत बंद का पूरे देश से है। बिल्कुल, और देखिए लगातार विपक्षी दल है जो तमाम वो सहयोग कर रहे हैं इस किसान आंदोलन का, लेकिन किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं चाहिए बल्कि हमें इसका समाधान चाहिए। और देखिए दो तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं जहां पर अब प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली चौतरफा इस वक्त किसानों से घिरी हुई है, चाहे हम टेकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें या दिल्ली सेंट्रल की बात करें, तो तमाम जगहों पर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और देखिए दिल्ली के आईटीओ चौक पर जो आम आदमी पार्टी है वहां पर प्रदर्शन कर रही है, कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, और आज एक बार फिर से हमने मुंबई की भी तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर एनसीपी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए दो तस्वीरें भारत बंद के इस वक्त आपको दिखाई दे रही है जहां पर लगातार किसानों की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पहली तस्वीर में देखिए कैसे जो कार्यकर्ता है वो ट्रेन की पटरियों पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई है, यानी कि यातायात इससे प्रभावित हो रहा है। तो अगर आपको बेहद जरूरी ना हो तो आप 11 बजे से लेकर 3 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचे। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री हो रही है किसान आंदोलन को देखते हुए, उसमें सरकार का कहना ही है विपक्ष कोरी राजनीति कर रही है, किसान संगठन भी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए कल से अब तक कई बार ये भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि किसान ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज पर राजनीति ना करें, मंच हम देंगे नहीं। और इसी बीच बड़ी खबर, इस बार सोनिया गांधी अपना जन्मदिन नहीं मनाने वाली है, किसान आंदोलन को देखते हुए ये फैसला उनके जरिए किया गया। 9 दिसंबर कल का दिन, और ये वही कल का दिन होगा जब 6वें दौर की बातचीत सरकार से किसान संगठनों की होनी है, और इस पर सोनिया गांधी ने जानकारी दी है कि वो इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। बिल्कुल, और देखिए कांग्रेस का ये अपना ही तरीका है किसानों के समर्थन को लेकर, और देखिए राहुल गांधी भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये कहा गया कि किसानों को मोदी सरकार अपनी योजना सही ढंग से समझा नहीं पाई है, इस कानून को लेकर सही ढंग से समझा नहीं पाई है, इसीलिए सरकार को चाहिए कि इस बिल को वापस ले ले।
और ऐसे में विपक्ष को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच मुंबई से उर्वशी खोना हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले उर्वशी हमारे साथ थी तो एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे। शरद पवार की चिट्ठी पर साफ जवाब दे नहीं रहे, कह रहे हैं कि सरकार राजनीति कर रही है। उर्वशी, ताजा तस्वीरें आप दिखाइएगा, और सुबह जो तस्वीरें आप दिखा रही थी, भारत बंद का उतना असर मुंबई पर नहीं है? जी हाँ, हम आपको बता दें कि मुंबई पर इतना असर तो नहीं रहा है अगर हम भारत बंद की बात करें। अभी फिलहाल पर ये जो नजारा आप देख रहे हो, ये जो पूरा एक क्राउड का नजारा आप जो देख रहे हैं, ये चेंबूर इलाके का है, शिवाजी स्टैचू के पास। यहाँ पे एनसीपी के मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनसीपी के मिनिस्टर खुद नवाब मलिक इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, और इसी तरह से जगह जगह पे एनसीपी ने प्रोटेस्ट किया है अपने इस पूरे फार्म बिल्स को लेकर। किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हुए, महाराष्ट्र की बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना जो कि फॉर्मर अलाय है बीजेपी की, उन्होंने भी जो है इस भारत बंद को लेकर सपोर्ट किया है, पर अब तक कहीं पे ऐसे स्ट्रांग प्रोटेस्ट नहीं दिखाई दिए। बुल्दाना नाम की जो जगह है वहां पे ट्रेन रोकने की कोशिश की तो एक ट्रेन को ट्रेन रोको आंदोलन हुआ। वहीं यहाँ पे भी चेंबूर में रास्ता रोको आंदोलन बताया जा रहा था। अभी फिलहाल क्योंकि जो है बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है खुद सारे जो एनसीपी प्रोटेस्टर्स हैं उनको लेकर, पर बेस्ट बसेस कहो, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन कहो, इन सब को लेकर कहीं पे भी ज्यादा असर नहीं पड़ा है। शॉप्स भी कहीं पे कुछ माइल्ड तरीके से बंद है, पर पूरी तरह से बंद ऐसे नहीं का ऐसे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा कल मुंबई पुलिस ने खुद ने ये जानकारी दी थी और हर किसी को जो है ये कॉल स्ट्रेट कॉल बताया था कि कोई भी जबरदस्ती से शॉप्स बंद करने को नहीं कहेगा। और उसी को लेकर हम जानकारी देती रहे और कैमरामैन को कहें कि 360 डिग्री घुमाकर जरा पैन करके दिखाए क्या तस्वीरें हैं, बंद का असर कैसा है। देखिए ये है, ये पूरा चेंबूर एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है, आपको विजय गणेश दिखा रहे हैं ये, और चारों साइड से ये जो 5-6 रास्ते हैं, देखिए आप कितनी मोशन जो है मुंबई का, कहीं पे भी रुका नहीं है, मुंबई स्टैंड स्टिल नहीं है, मुंबई रुकी नहीं है, मुंबई चल रही है। कहीं कहीं पे धीमी होगी, ये वो साइड पे जो सारे शॉप्स है वो भी खुले हैं, ये चेंबूर का इलाका है तो कहीं पे भी शॉप्स बंद ऐसे नहीं है। हाँ, एपीएमसी मार्केट बंद है एक जगह, वहीं दादर की भाजी मार्केट और फूल मार्केट भी शुरू है। तो ये एक नजारा रहा है मुंबई में, जहाँ पे मुंबई पे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एमबीए सरकार होते हुए भी मुंबई बंद का असर दिखाई नहीं दिया। यही बात इनफैक्ट जब नवाब मलिक को हमने बात की, पूछी, तो उन्होंने बताया कि हमने कहीं पे जबरदस्ती से बंद नहीं कहा है, और कॉमन मैन को जो है डिस्टर्ब ना हो उसको लेकर ये कॉल लिया है, पर कहीं ना कहीं मुंबई करों में ये भारत बंद का असर बिल्कुल बहुत ही हल्का रहा है। जी, तो अभी उर्वशी ने बताया कि मुंबई में भारत बंद का इतना व्यापक असर दिखाई नहीं दे रहा। आईटीओ दिल्ली से हमारे सहयोगी सव्यसाची इस वक्त जुड़ चुके हैं। सव्यसाची, आईटीओ का इस वक्त क्या हाल है? आम आदमी पार्टी पहुंचकर वहां पर धरना प्रदर्शन करने वाली थी और आम आदमी पार्टी की ओर से बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत अहम आरोप लगाया गया है दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तरफ ऊपर, क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को नजरबंद किया गया है, और इस समय ये डीडीयू मार्ग का रास्ता है जो कि आईटीयू के तरफ जाता है, जो कि आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर से निकल के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने पूरा रोड जाम करके रखा है, और सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नारेबाजी लगातार चल रही है, और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बसेस भी डिप्लॉय किए हैं और लगातार थोड़े थोड़े करके लोग यहाँ पे जो समर्थक है आम आदमी पार्टी के उनको डिटेन किया जा रहा है, और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्या वाटर कैनन के व्हीकल्स है वो भी लगाए गए हैं, और दिल्ली पुलिस भारी तानात में यहाँ पे लगाए हैं, डिप्लॉय है, और क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया था कि उन्होंने
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद नहीं किया है। हालांकि जो सौरभ भारद्वाज है, जो आम आदमी के नेता है, उन्होंने कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पे उन्होंने साफ तौर से कहा था कि आरोप नहीं है, मुख्यमंत्री को नजरबंद किया था क्योंकि कल वो सिंघू बॉर्डर में गए थे, जिसके बाद भारी संख्या में यहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स में कार्यकर्ता पहुंचे और ये न्यूज जब मिलने के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो मुख्यमंत्री के घर की तरफ जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे तुरंत जो डीडीयू मार्ग है जो कि आईटीओ की तरफ जाता है उसको बंद कर लिया। हालांकि लगातार यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा रोड जो है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोड है, रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, इस रोड को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और लगातार दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इनको डिटेन करके रास्ता खुलवाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर से कह दिया कि हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद नहीं किया है। जी सभ्यसाची तस्वीरें दिखा रहे हैं आईटीओ से और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक सड़कों पर हैं और ये गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि खबर ये है, आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया गया है। कहना यह है अरविंद केजरीवाल को आजाद कीजिए, वो भारत समर्थन में अपनी भूमिका दिखाना चाहते हैं, किसानों के साथ पहुंचना चाहते हैं। कल भी सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल और जो भी आगे अपडेट होगा हम सभ्यसाची से जानेंगे, उर्वशी जुड़ी हुई है। लेकिन जतिन गोस्वामी यूपी बॉर्डर पर मौजूद है, आप मुझे जतिन ताजा तस्वीरें आप दिखाइएगा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तो बहुत ज्यादा आवाजाही बाकी दिनों में रहती थी लेकिन जब से यह रास्ता रोका गया है गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ लोग जा नहीं पा रहे। फिलहाल किसानों की स्ट्रेटेजी क्या है, भारत बंद का असर क्या है? देखिए यहाँ मैं एक अपडेट बता दूं कि दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया है, गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं तो दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया है, नेशनल हाईवे 9 पर भी और नेशनल हाईवे 9 के नीचे की तरफ भी। तस्वीरें पहले मैं इधर दिखाऊं, देखिए किले में तब्दील व्यवस्था, उधर से आने वाला ट्रैफिक रुका हुआ है, यहाँ पर जो भारी फोर्स है वो तैनात है और किसान दोनों तरफ बैठे हैं। ऊपर एक बार नजारा दिखाऊं, मैं अपने साथी अंकित से कहूं कि ऊपर दिखाइए तो ऊपर से आसमान से नजर है और नीचे इधर मैं दिखाऊं, अगर मैं अपने साथी अंकित को कहूं कि इधर जहां किसान बैठे हुए हैं वहां हम दिखाएं तो यहां किसान नीचे बैठे हुए हैं और वो यहां पर बैठकर जो गुड़ और मूंगफली है वो धूप में ले रहे हैं, खा रहे हैं। उनसे सीधे यहां पूछ लेते हैं, ये बताइए जी दोनों साइड का ट्रैफिक कब रोक दिया है, कब तक रुका रहेगा? 3 बजे लो रुका रहेगा, 3 बजे लो हम उठे नहीं अंत और फिर अपना धरने पे पीड़िया वहां से भेज देंगे। एम्बुलेंस वगैरह को आप निकलने दे रहे हैं? बिल्कुल, हम जो है बीमार को छात्रों को परेशान नहीं करते, हमारे साथ बैरिश गवर्नमेंट तो है आम जन। भारत बंद आपका सफल हो रहा है और क्या इनपुट आ रहा है देश भर से आपके पास, आपकी बात भी हो रही होगी? भारत उत्तर प्रदेश में पश्चिम तो ऐसा जाम है सुई भी नहीं घुस रही। तो आप सुन सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो ऐसा जाम कर दिया है कि सुई भी नहीं घुस रही है और दिल्ली यूपी की सीमा जहां मैं मौजूद हूं यहां भी यही स्थिति है, ना तो ट्रैफिक दिल्ली से आ रहा है ना दिल्ली की तरफ वापस जा रहा है और यहां पर वो गुड़ और मूंगफली खा रहे हैं बीचों बीच हाईवे के और उसके नीचे बैठकर। जी लेकिन सुझावों की बात थी प्रिया, आप अपना सवाल कीजिएगा उसी में ऐड कीजिएगा, लेकिन जतिन सुझावों की बात थी, किसानों को सुझाव भी देना था सरकार को, सरकार ने कहा था 5वें दौर की बातचीत के बाद कि किसानों से सुझाव चाहते हैं ताकि आगे बातचीत जो हो वो सफल हो पाए। जी देखिए सीधे उनसे पूछ लेते हैं, ये बताइए किसानों को सुझाव भी देना था अपनी तरफ से, क्या सुझाव आप दे रहे हैं और 9 तारीख की रणनीति क्या है, किस बिंदु पर बात होगी? सुझाव तो सीधी सीधी सी हमारी एक ही बात है, जो कानून सरकार लेकर आई भाई, जो कानून सरकार लेकर आई हमारे बिना पूछे से लिए ही, और मारे तो सीधी सी बात यह है बिना पूछू मारे दे लिए। और दूसरी बात कमल की बात यह है, मान ले हम कहने सुनने के नाम के यहाँ आ गए, हम मैंने कह रहे भारत बंद कर दिया, फलाना होगा डिकटा होगा तो कुछ तो करेंगे। आप किस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं? हम एमएसपी पे, जो हमारी एमएसपी है, जब हमारे ये कानून बनाया है तो उस एमएसपी को हमें लिखित में दे। सुझाव क्या है आपका सुझाव? अरे यही सुझाव है, जो हमारी मांगे है ना, जो मंडी का है वो खत्म, मंडी एक्ट में सुधार किया जाए, हमारी एमएसपी उसमें जोड़ी जाए ताकि हमेशा जब तक कानून रहेगा तब तक हमारी एमएसपी जुड़ी रहे,
और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए तो एक कानून बनाए तीनों, और हमारे खिलाफ है ये पूरे हिंदुस्तान में एक भी किसान कह दे, कोई उनके भाजपा वाले एक दो नेता वो भाषण दे। अब जैसे जावड़ेकर जी कह रहे थे ग्रामों में बहुत जो है रोजगार बढ़ेंगे, एक बात तो बता दे रहे किस तरह से बढ़ेंगे वो, किस तरह से रोजगार ये सवाल पूछ रहे हैं, दो टुक सवाल किसान पूछ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि 9 दिसंबर को लेकर क्या रणनीति होगी, साथ ही साथ ही बता रहे हैं कि भारत बंद का कितना असर जो है वो हो रहा है। जी जी जितिन जरा ये भी समझाइए, देखिए इस पर राजनीति होनी भी शुरू हो चुकी है, हालांकि किसानों की ओर से कहा गया हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सहयोग कर रही हैं। कल हमने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तमाम जो विपक्षी दल हैं अलग अलग ग्रुप बनाकर जा रहे किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी अहम है आज का दिन। तो क्या सुबह से यहां पर कोई नेता या कोई किसी दल की ओर से आया है किसानों से मुलाकात करने के लिए? देखिए बिल्कुल हमने नहीं देखा कि कोई भी जो नेता है किसी दल का वो यहाँ पहुंचा है, लेकिन इनसे भी पूछ लेते हैं कि राजनीति इस पूरे मामले पर गरमा रही है, कई दलों ने आपको संगठन की समर्थन की बात कही है, क्या यहाँ कोई नेता आया? नहीं नहीं, नेता आओ बहुत अच्छी बात है किसानों के, क्योंकि बहुत सी पार्टियां अकाली दल है, RLD है, इनलो है, ये सारी किसान पार्टियां हैं, वो तो आए। अच्छा अरविंद केजरीवाल भी बॉर्डर पर पहुंचे थे वहां, अरविंद केजरीवाल भी आए, और हम ये चाह रहे हैं, हमारी मांगे, कल मीटिंग है ना 9 तारीख को हमारी किसानों की मंत्रिमंडल की मीटिंग है, और उसमें हमारी मांगे मान लो, हमारे सुधार में आप काम करना चाहते हो, यदि हकीकत में किसानों को कुछ करना चाहते हो, MSP का क्या मतलब है? स्वामीनाथन की रिपोर्ट में स्वामीनाथन जी ने कहा था भाई हमारा 10,000-1,000 खर्चा है हमारी खेती पे, तो उसका 1500 तो मिलना ही चाहिए, वो रेट नहीं है, वो केवल उससे नीचे ना जाए। भाई दफे हमारा आलू 8 रुपए किलो हमारी लागत आती है और 3 रुपए में हमें देना पड़ता है, एक फिक्स हो जाए, जो भी कोई खरीदे MSP से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, MSP से नीचे कोई नहीं खरीदेगा। MSP पर तो दो टूक बात है, कोई नेता आया क्या सुनो? मान लिया हमने भैंस खरीदनी, उसका दूध काटेंगे, देखेंगे जो हमारी समझ में आवेगी उसे लेंगे। किसानों की समझ में जो 3 कानून नहीं आ रहे, इन्हें गवर्नमेंट को क्या जरूरत है? तो 3 कानून किसानों की समझ में नहीं आ रहे हैं, भैंस का वो उदाहरण दे रहे हैं, आप किसानों की जो अंदाज में है वो तमाम चीजें उनके माध्यम से यहाँ सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि गुस्सा जो है, आक्रोश जो है वो काफी ज्यादा देखने को यहाँ मिल रहा है। जी बिल्कुल, अन्नदाता लगातार 13वें दिन सड़कों पर हैं और आज भारत बंद बुलाया गया है, व्यापक असर 11 से 3 बजे के बीच में, लेकिन सुबह से लगातार तस्वीरें आनी शुरू हो गई और इस बीच बहुत बड़ी खबर है टिकरी बॉर्डर से, बहुत बड़ी खबर जहां पर एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है। अब हालांकि किस वजह से मौत हुई है, कैसे मौत हुई है, ये फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। किसान का शव संदिग्ध हालत में मिला है टिकरी बॉर्डर से, बड़ी खबर। आंदोलनकारी किसान जो कि सड़कों पर बैठे हुए थे 13वां दिन आज आंदोलन का, लेकिन इसी बीच हैरान करने वाली खबर और साथ ही साथ परेशान करने वाली खबर, 13वां दिन सर्दी की रात, सर्दी के दिन सड़कों पर बिता रहे हैं अन्नदाता और इस बीच एक किसान की मौत हुई है। बिल्कुल, और देखिए दिसंबर का महीना, कड़कड़ाती ठंड और जो अन्नदाता है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और तमाम हालातों से जूझते हुए लगातार दिल्ली के चारों ओर घेराव करके बैठे हुए हैं। और देखिए इसी बीच बड़ी खबर टिकरी बॉर्डर से, जहां एक आंदोलनकारी किसान की मौत की खबर आ रही है, हालांकि मौत कैसे हुई है अभी इस पर अपडेट नहीं आया है, जैसी अपडेट आएगी आपके पास हम पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए कई तमाम जो बड़े सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और आपको बता दें कि इससे पहले सिंघू बॉर्डर से भी खबर आई थी कि सिंघू बॉर्डर में तमाम ऐसे किसान हैं जिनकी तबीयत बेहद ज्यादा खराब हो रखी है, सरकार की ओर से भी ये अपील की गई थी कि जो बुजुर्ग किसान हैं उन्हें घर भेज दिया जाए और अब ये जो प्रदर्शन है उसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। टिकरी बॉर्डर से खबर बहुत बड़ी है, किसान आंदोलनकारी किसान की मौत की खबर है, किस वजह से मौत हुई, क्या उम्र थी, टिकरी बॉर्डर से हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हमारे संवाददाता जुड़े और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाएं। लेकिन इसी बीच दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो 60-70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है सड़कों पर दिन और रात बिताना, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आज तो फॉग बहुत ज्यादा था, प्रदूषण है ही है, ऐसे में टिकरी बॉर्डर से खबर, एक किसान जो कि आंदोलन में शामिल थे मौत हो गई। आप दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाइए,
बिल्कुल देखिए मैं तस्वीरें यहाँ दिखा देता हूँ कि क्या तस्वीरें हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको बुजुर्ग किसान यहाँ काफी नजर आएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब से आंदोलन शुरू हुआ है मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने बहुत सारे बुजुर्ग किसान यहाँ पर देखे हैं और हमने 97 ईयर्स के भी एक बुजुर्ग किसान देखे। फिलहाल एक बुजुर्ग किसान हमारे साथ मौजूद है। आप ही बताइए बाबू जी, ठंड तो बहुत ज्यादा है, पहले ठंड पे बात कर लेते हैं, रात को कैसे बीत रहा है? ठंड नहीं लगती किसान को। किसान ऐसे कैसे बिता रहे? किसान को कभी ठंड नहीं लगती, इतना आत्मबल है किसान के अंदर, उसे ठंड नहीं लगती। तो आप ये इनका दृढ़ निश्चय देख सकते हैं किसान। वो आपकी उम्र कितनी है? 75 साल। 75 साल के हैं ये बाबूजी और वो कह रहे हैं कि ठंड नहीं लगती है किसान को, ये जज्बा है। आप बताइए और क्या कहते हैं? सारी कुम्मा भी तो अगर कोई अच्छा पशु है ना किसान के पास जी। या कोई अच्छा बच्चा पढ़ने लिखने वाला आपके पास है, अगर अच्छा पशु 12-14 लीटर दूध देता और लात मार दे उसे तो नहीं मारेंगे। तो ये अपनी टपकाना देता हूँ तो जी। तो आप सुन सकते हैं कि वो अपनी बात अपने अंदाज में निश्चित तौर पर कह रहे हैं बाबूजी। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जी जतिन जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और देखिए इसी बीच हमने बड़ी खबर आपको बताई, टीकरी बॉर्डर से बड़ी खबर आई जहां पर एक किसान की मौत की खबर है। हालांकि किन परिस्थितियों में मौत हुई है अभी फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान की मौत कैसे हुई ये अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, लगातार आप तक ताजा तस्वीरें ताजा अपडेट इंडिया न्यूज पहुंचाता रहेगा।